اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورس۔ دوستو آج ہم موجود ہیں سنڈے کار بازار یو پی مارکیٹ، کراچی کی سب سے بڑی یہ مارکیٹ لگتی ہے۔ کراچی کے کونے کونے سے لوگ یہاں اپنی گاڑیاں سیل اور پرچیز کرنے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کی کون کون سی گاڑیاں یہاں سیل پرچیزنگ کے لیے آئی ہوئی ہیں، کیا گاڑیوں کی قیمتوں کی اپڈیٹس ہے، تو آئیں میرے ساتھ۔ You are watching Khurram House. Please subscribe our channel and share and like this video. दोस्तों यह है टोयोटा करोला 2011 का मॉडल XLi। चारों तरफ से इसकी लुक देखते हैं, इसका इंटीरियर देखते हैं, इंजन रूम देखते हैं, उसके बाद ओनर से बात करते हैं। सबसे पहले आप टायर की कंडीशन देखें, चारों टायर इसमें बेहतरीन लगे हुए हैं। ये आप बैक टायर भी देखें, इसका इसके डोर के गत्ते वगैरह देख लें, साफ कंडीशन में इसका डोर है। रबड़े वगैरह भी बिल्कुल जेनुइन लगी हुई हैं। इसके पिलर वगैरह देख लें आप, बिल्कुल साफ। बैक से इसकी लुक देखें, 2011 का ये मॉडल है। अंदर से इसका इंटीरियर देख लेते हैं, इसके कत्ते वगैरह चेक कर लें दरवाजे के, बिल्कुल साफ कंडीशन में ये गाड़ी है। सीट्स कवर वगैरह भी अच्छे लगे हुए हैं इस पर, डैशबोर्ड के हालत भी अच्छी कंडीशन में है, बहुत साफ़ सुथरी ये गाड़ी है। इसकी रूफ़ की कंडीशन भी देखें, अच्छी सीट कुशनिंग हुई है इसके अंदर। चलें इसका इंजन रूम देख लेते हैं, इंजन रूम भी बहुत साफ कंडीशन में है, कहीं से रस्ट वगैरह नहीं है, ना डस्ट है ना रस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मॉडल है और कौन सी गाड़ी है? 2011 मॉडल है, करोला XLi है। गाड़ी आपके नाम पे? गाड़ी नाम पर है। इससे पहले कितने ओनर है गाड़ी के? थर्ड ओनर है गाड़ी, हमारे नाम पर है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी पेट्रोल चेंज तो ना है? खाली नहीं, नहीं सिर्फ पेट्रोल है। सिर्फ पेट्रोल है। अच्छा, एसी वर्किंग में? एसी वर्किंग में, LCD बैक कैमरा वाला है। कितने किलोमीटर चल चुकी गाड़ी? 1,37,000। 1,37,000। गाड़ी सीपीएस से क्लियर है? सब क्लियर है, डॉक्यूमेंट है, सब चीज क्लियर है गाड़ी। इंजन वगैरह या बॉडी वगैरह में कोई काम? कोई काम नहीं है आपके सामने। ठीक है, गाड़ी में देख लीजिए, साफ सुथरी गाड़ी है। अच्छा, डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? 16 लाख डिमांड है। 16 लाख डिमांड कर रहा है, इसमें कुछ कमी पेशी वगैरह हो जाएगी? ऑफर होगी अच्छी तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। सर नंबर बताइएगा अपना। 0332-3326-446। ठीक है सर, जता कर लो। जी तो दोस्तों, ऑल्टो 2012 का ये मॉडल है। इसकी कंडीशन वगैरह देखते हैं, इसका इंटीरियर चेक करते हैं, इंजन रूम चेक करते हैं, फिर ऑनर से बात करते हैं। टायर वगैरह की कंडीशन देख लें, अच्छे टायर लगे हुए हैं, चारों टायर अच्छे हैं। बैक का भी इसका टायर देख लें, इसके दरवाजे वगैरह गत्ते की कंडीशन देख लें, साफ़ सुथरे गत्ते हैं, साफ़ सुथरा इसका डैशबोर्ड है। इसके पिलर वगैरह देखें, कोई रस्ट नहीं है पिलर के अंदर, रबड़ भी अपनी जेनुइन हालत में है। बैक डोर से भी देख लेते हैं। हाँ खोल दे। बिल्कुल साफ कंडीशन में गत्ते वगैरह, पिलर भी इसका साफ, बिल्कुल सीट्स कवर वगैरह लगे हैं, नॉर्मल सीट कवर है। बैक से सी कंडीशन देख लें, हल्के फुल्के स्क्रैच है इसके अंदर। ये देखें ड्राइविंग सेट के करते, देखें ड्राइविंग सेट के कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरी लगी हुई हैं। इसका इंटीरियर चेक करते हैं,
अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी है, साफ़ सुथरे सीट कवर लगे हुए हैं, डैशबोर्ड की हालत भी अच्छी कंडीशन में है। इसकी रूफ चेक लेते हैं, रूफ भी बिल्कुल साफ सुथरी है। चलो इसका इंजन चेक करते हैं। इंजन की कंडीशन देखिए, कुप्पे वगैरह बिल्कुल सही हालत में है, बिल्कुल भी डस्ट वगैरह या रस वगैरह नहीं है। पट्टी कहते हैं, स्टिकर भी लगा हुआ है। वालेकुम सलाम। गाड़ी के बारे में बताएं, कौन सा मॉडल है, कौन सा गाड़ी है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2012 का मॉडल है, 8,30,000 रुपए मांग रहे। सुजुकी ऑल्टो VXR है जी। अच्छा, गाड़ी आपके नाम पे? भाई के नाम पे। भाई के नाम पे, कितने ओनर से पहले? फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? 8,30,000 रुपए। 8,20,000 रुपए, इसमें हो जाएगी कोई कमी पेशी? जी। अच्छा, CNG वगैरह है या सिर्फ पेट्रोल पे? पेट्रोल CNG दोनों है। अच्छा, AC वर्किंग में? जी। अच्छा, CPLC वगैरह क्लियर है? सब कुछ। नाम का अगर आप नाम करवाना चाहो आप करवा लेना, हमें बोलेंगे हम करवा के देने। अच्छा, गाड़ी टचअप वगैरह को? कुछ भी नहीं, अगर टचअप होती तो मैं आपको पूरी गाड़ी वैसे ही दिखाता, टचअप वाली। अच्छा, नंबर बताएंगे अपना? 0315-2959-370। ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये है मेहरान 2005। सबसे पहले इसका इंजन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि बोनट ओपन हुआ हुआ है, तो ये से कुप्पे वगैरह देख लें, बिल्कुल साफ कंडीशन में है। नया कलर हुआ हुआ इसके ऊपर, बाहर से शावर है ये गाड़ी। सलाम अलैकुम। टायर की कंडीशन देख लें, गाड़ी आपकी नहीं है, इंतजामिया में। इसकी बैक टायर की कंडीशन देखें, बैक से इसकी लुक देखें आप। ये टायर भी सही कंडीशन में, इसके अंदर से इंटीरियर के देख लेते हैं, गत्ते वगैरह, गेट के इसके बिल्कुल सही कंडीशन में, रबड़े वगैरह की ठीक लगी हुई है। नया कलर हुआ है तो बिल्कुल पिलर वगैरह इसके बेहतरीन हालत में है। सीट कवर भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, रेड एंड ब्लैक की कम्बिनेशन में। इसकी डैशबोर्ड की आप कंडीशन देख लें, साफ़ सुथरा डैशबोर्ड है। चलिए इसकी रूफ की कंडीशन दिखाते हैं, इसके बाद ऑनर से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। गाड़ी के बारे में बताएं, गाड़ी कौन सी गाड़ी है, कौन सा नंबर है, कौन सा मॉडल है? गाड़ी 2005 है सर। 2005 का मॉडल है जी। जी। अच्छा, गाड़ी एसी वगैरह वर्किंग में? एसी नहीं है। एसी नहीं होगा। एसी नहीं है। और CNG भी पता नहीं, पाल होगा या पाल नहीं होगा। पेट्रोल पे गाड़ी है? पेट्रोल है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? सर 325। 325 जी। गाड़ी आपके नाम पे? नहीं, गाड़ी आपके ओपन लेटर पे? मेरा दूसरा दोस्त है उसी का है। अच्छा, उसके साथ आया हूँ, इधर घूम रहा है। 25 डिमांड कर रहे हैं? 325 डिमांड। कमी पेशी हो जाएगी सर? क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें एक मिठाई की खाते रहे, मिठाई खा लेगा। आखिरी डिमांड इसका 320 है। 320 आखिरी डिमांड। अच्छा, नंबर बताइएगा अपना। 0300 3547 281 ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह। नाम जी तो दोस्तों, ये है ढाई 800 की एट्राई, 2012 का ये मॉडल है और 16 की रजिस्ट्रेशन है। बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है और फैमिली ये गाड़ी है, ओनर के नाम पे ये गाड़ी है। बहुत साफ़ सुथरी भाई ने गाड़ी रखी है। इसके पिलर वगैरह देख लें, बिल्कुल भी कोई रस्ट नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी। इंटीरियर भी इसका बहुत साफ़ सुथरा है, देखिए व्यूअर्स, डैशबोर्ड वगैरह से गत्ते वगैरह गेट के बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी। इसकी रूफ़ वगैरह देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी रूफ़ है, कहीं से कोई फटी वगैरह नहीं है, रूफ बेहतरीन कंडीशन में ये गाड़ी मौजूद है। फ्लोर पे कारपेटिंग भी हुई है इसके अंदर, पीछे डिग्गी में
चलें बाहर से इसके टायर वगैरह किसी बैक लुक देख लेते हैं। इसकी बैक की लुक हो गई बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी है। बैक से इसकी लुक देखिए, इसके टायर वगैरह की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छे और नए टायर लगे हैं उसकी गाड़ी के अंदर। चलें ऑनर से बात करते हैं। वालेकुम सलाम सर, ये 850 की अट्राया वैगन है, कस्टम टर्बो, फुल क्रूज के अंदर है और ये 2012 का मॉडल है और 2016 की रजिस्ट्रेशन है सर। ये 91,000 चली हुई। जी मेरे नाम पर है, इससे पहले एक ऑनर है, सेकंड ऑनर है हमें जी सर। मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ 13 लाख रुपए जी सर। मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। बाकी ये के फुल जेन्युइन गाड़ी है, इंजन इसका अपना है, एसी वगैरह हर चीज़ वर्किंग में है, मेरे घर के अपने इस्तेमाल की गाड़ी है। अब नीड फॉर, आपको मालूम है कि कुछ मामलात होते हैं तो इस वजह से गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं। बाकी गाड़ी अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ें ओके। आपने देखी है ये सर, टचअप बिल्कुल है, इसकी डिग्गी से टचअप है हल्का सा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं इम्पोर्ट होती हैं ये स्क्रैप के नाम से आती हैं, फिर यहीं पर ही होती हैं ये। नहीं आगे फेंडर वगैरह, अंदर से भी जेन्युइन है जी, बिल्कुल दिखाएंगे। 0321 जोंगल है ना, 0312-240-4810 जी। तो दोस्तों ये मरगला 96, इसकी कंडीशन देख लेते हैं चारों तरफ से, इसकी लुक देखते हैं, इसकी टायर वगैरह की, इसका इंटीरियर देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसके टायर लगे हुए, अच्छा थोड़ी ये रफ कंडीशन में है गाड़ी, अंदर से इंटीरियर से भी बहुत रफ है गाड़ी, गत्ते वगैरह थोड़ी हालत ठीक नहीं है इसकी। बाकी बैक से इसकी लुक देख लें, बाहर से तो फिर भी थोड़ी बेहतरीन हालत में है। ये देखें इसकी राइट साइड की लुक भी देख लें, अंदर से जो कंडीशन इसकी देखें, ये गत्ते वगैरह इसके थोड़े नॉर्मल कंडीशन में है, कपड़े वगैरह भी इसकी थोड़ी सी हटी है अपनी जगह से। बाकी प्लेयर वगैरह चेक लें, जंग तो नहीं है गाड़ी के अंदर। बाकी सीटें भी नॉर्मल कंडीशन में, डैशबोर्ड की हालत भी बेहतर है। रूप भी साफ़ सुथरी नहीं है, रफ कंडीशन में कह सकते हैं। बाकी पीछे से भी सीट्स वगैरह देख लेते हैं इसकी, पीछे के कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, रबड़े भी सही लगी हुई हैं। इसकी प्लेयर वगैरह कंडीशन देख लें, सीट कवर भी पीछे का सही कंडीशन में है। चलें इंजन रूम देखते हैं। अच्छा इंजन रूम की कंडीशन, थोड़ा सा रस्ट वगैरह है इंजन के रूम के अंदर, क्योंकि 96 का मॉडल है, बहुत पुरानी गाड़ी है, इसे कुपे वगैरह चेक कर लें। ठीक है सर, सर बताएं कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है? ये 96 है, ये एसी सीएनजी पेट्रोल ऑन है इसका, मरगला है और इसकी प्राइस है 375 जी। आपके नाम पे गाड़ी ये? ओपन लेटर, ओपन लेटर। इससे पहले कितने ओनर है गाड़ी के? तीन ओनर, तीन ओनर हैं जी। डिमांड क्या कर रहे हैं? 375 इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी? इसके फाइनल बिल्कुल जो देने वाले हैं 350 हो जाएगी। अच्छा नंबर क्या है सर आपका? 0346-2670-644। ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों ये है होंडा ट्राइबॉन 2013 का ये मॉडल है, चारों तरफ से इसकी लुक देख लेते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी और नई जैसी ये गाड़ी है। टायर की कंडीशन देखें, बिल्कुल नए टायर, बहुत ही साफ़ सुथरी भाई ने रखी है गाड़ी, साफ़ कंडीशन में, स्क्रैचलेस गाड़ी है। इसकी बैक की टायर की कंडीशन देखें आप, अलार्म लगे हुए हैं इसके अंदर, बैक से भी इसकी लुक देखें, चारों टायर्स की अच्छी कंडीशन में।
चलिए इंटीरियर चेक कराते हैं आपको उसका। पहले आप दरवाज़ों पे वगैरह की लुक देखें, इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरे करते हैं, इसके रबड़े भी बिल्कुल चेंज कंडीशन में लगी हुई हैं। इसके पिलर वगैरह की आप कंडीशन देखें, साफ़ सुथरे पिलर हैं। सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है इसके अंदर, देखें सीटें वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी सीट है। बहुत अच्छा रूम अंदर से बना हुआ है। डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा डैशबोर्ड। और ये सनरूफ भी इसके अंदर है। रूफ़ की हालत देख लें, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर। इसका फ्रंट गेट देखते हैं, ये देखें फ्रंट से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, और गत्ते वगैरह बहुत अच्छी कंडीशन में, रबड़े वगैरह बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में, कोई रस्ट नहीं है पिलर पे, साफ़ सुथरे पिलर हैं इसके। डैशबोर्ड वगैरह भी बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी। चलिए इसका इंजन रूम देखते हैं। जब अंदर से भी इतनी अच्छी है तो इंजन रूम भी इसका बिल्कुल साफ़ होगा, बाकी चल के देख लेते हैं। ये देखें इंजन रूम की कंडीशन भी बहुत साफ़ सुथरी है। चलिए ऑनर से बात करते हैं। सर 2013 का मॉडल है और 79 चली हुई है, यूजी प्लस नेविगेशन वाली है, और 2 से 3 पीस टचअप हैं, और जी और डिमांड मेरी 22.5 लाख रुपये। जी अंदर से जेनियन है और छत डिग्गी बोनेट जेनियन है। डिमांड में कोई कमी पेशी हो जाएगी? सर फाइनल इसके होंगे 22 लाख रुपये। अच्छा सीएनजी तो नहीं है, खाली पेट्रोल? नहीं नहीं पेट्रोल पे। अच्छा नंबर क्या आपको? सर नंबर मेरा 03042764302। ठीक है सर, जजाक अल्लाह, थैंक यू। तो ये है जनाब कल्टस 2013 EFI कल्टस 4 सिलेंडर। चारों तरफ से इसकी लुक देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं, इंजन रूम देखते हैं, फिर ऑनर से बात करते हैं। टायर वगैरह की कंडीशन आप देखें, साफ़ सुथरे टायर के अंदर, नए जैसे टायर लगे हुए हैं। बॉडी बिल्कुल साफ़ है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है बॉडी पे। अंदर से इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं, दरवाज़ों वगैरह क्या देख लेते हैं, रबड़े वगैरह इसकी किस तरह लगी हुई हैं। दरवाजे वगैरह बिल्कुल गत्ते बिल्कुल साफ़ हैं, रबड़े भी आप चेक कर लें, बिल्कुल फिक्स रबड़े लगी हुई हैं। पिलर वगैरह की कंडीशन आप देख लें, साफ़ सुथरे इसके पिलर हैं। अच्छा सीट की कुशनिंग भी अच्छी हुई है इसके अंदर। अंदर से इंटीरियर रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये देखिए गत्ते वगैरह, गेट के डैशबोर्ड वगैरह अच्छी कंडीशन में है। यार देखो उससे गाड़ी अगले की बेइज्जती। इसकी रूफ़ चेक कर लेते हैं, रूफ भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अच्छी कंडीशन में। चलिए बैक से इसकी लुक देखते हैं। बहुत साफ़ सुथरी और ऑनर के मुताबिक चेनिंग कंडीशन में है, बाहर से भी और अंदर से भी बिल्कुल बिल्कुल टचअप है। सुंदर इसका इंजन रूम चेक करते हैं। ये देखें इंजन रूम, हल्की फुल्की डस्ट है लेकिन अच्छी कंडीशन में इसका इंजन रूम भी, और फ्रंट का स्टिकर ही मौजूद है पट्टी का। और ऐसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये 2013 मॉडल है, कल्टस है, पूरी जेन्युइन गाड़ी है जी। अंदर बाहर जेन्युइन है, नहीं नहीं एक आधा पीस हो सकता है टचअप हो। गाड़ी आपके नाम पे? नहीं ओपन लेटर में। फर्स्ट ओनर है? ए सी वे सी हर चीज़ बिल्कुल। 41 चली हुई है, 41 चली हुई गाड़ी है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? 10-25। नंबर बताइएगा। मोबाइल 03152188084। अच्छा इसमें कभी कमी भी हो सकती है आपकी डिमांड में? जी हो जाएगी, मुँह मांगे मौत भी नहीं आती। ठीक है, जजाक अल्लाह।